स्वागत है आपका जन्नत की पुकार में। साउथ जिला पुलिस ने घरेलू नौकरानी और उसके दोस्त को 49 लाख रुपए की चोरी के मामले में पकड़ा। साउथ जिले की विशेष शाखा पुलिस ने एक घरेलू नौकरानी और उसके दोस्त को 49 लाख रुपए की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला नौकरानी पिछले एक साल से पीड़ित के घर में काम कर रही थी और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की रकम को पंजाब के पानीपत ले जाकर छुपा दिया था। साउथ डीसीपी अंकित चौहान के अनुसार 8 अगस्त को हौज खास थाने में एक शिकायत मिली थी कि 7 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे उनकी नौकरानी ने घर से नकदी चोरी कर ली है। इस पर हौज खास थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे साउथ जिले की स्पेशल ब्रांच को सौंपा गया। पुलिस टीम ने नौकरानी के मोबाइल नंबर को बंद पाया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने नौकरानी की फोटो भी जारी की और सूचना मिलने पर कई जगह दबिश दी गई, लेकिन वह फरार थी। आखिरकार पुलिस ने नौकरानी की मोबाइल कॉल डिटेल की जांच की और उसके लोकेशन का पता पानीपत हरियाणा का लगा। पुलिस टीम ने पानीपत में दबिश देकर नौकरानी और उसके दोस्त मुबारक उर्फ लवली को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उनके पास से चोरी की गई 49 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। पूछताछ में नौकरानी ने बताया कि वह पिछले एक साल से पीड़ित के घर में बतौर कुक काम कर रही थी और अपने पति की मौत के बाद वह अपने दोस्त के साथ शाहपुर जाट में किराए के कमरे में रह रही थी। 7 अगस्त को वह पीड़ित के घर गई और नकदी लेकर अपने दोस्त के साथ फरार हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की आगे की जाँच जारी है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।